रोहतक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकने वाले युवक को पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से पुलिस में कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। दरअसल रोहतक में रविवार को नोटबंदी के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल तिजोरी तोड़ भंडाफोड़ रैली करने पहुंचे थे, लेकिन जब केजरीवाल ने अपना भाषण देना शुरू किया तो एक युवक ने केजरीवाल की तरफ जूता फेंक दिया। केजरीवाल ने मंच से युवक को छोड़ने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद आप कार्यकर्ता नहीं माने और युवक की धुनाई कर दी। पुलिस ने बीच बचाव कर युवक को हिरासत में ले लिया। जूता फेंकने वाला शख्स विकास दादरी जिले का रहने वाला है, जो एसवाईएल के मुद्दे पर केजरीवाल की तरफ से दिए गए बयान से नाराज था। दरअसल एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद चल रहा है और केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान एसवाईएल के पानी पर पंजाब का हक होने की बात कही थी। टोटल न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।